जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टी के नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जुझारू नेता शैलेश कुमार वैद्य ने आज मध्य प्रदेश की आष्टा विधानसभा का दौरा किया। आपको बता दें कि बसपा नेता का भारी संख्या में काफिला शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकला। इस दौरान लोगों ने उनको भारी संख्या में समर्थन दिया। वहीं बता दें कि वाहन रैली के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जय भारत, जय काशीराम, बहन मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए। इस वाहन रैली में बसपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वाहन रैली को सफल बनाया। आष्टा से विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, कल जो विधानसभा क्षेत्र में वाहन रैली निकाली गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या आष्टा विधानसभा क्षेत्र को आप संदेश देना चाहते हैं इसका? जी बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो कल रैली निकाली गई है, उसमें सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, पोलिंग एवं सेक्टर के कार्यकर्ताओं से मिलना ये उद्देश्य था। और हम सभी का सबसे बड़ा अगर कोई उद्देश्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस बार इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में